इसका प्रयोग होता है निमित्त के साथ, पहले निमित्त बोलते हैं तो निमित्त तो उपादान हो जाता है, संधि हो जाती है। पहले उपादान बोलते हैं तो उपादान निमित्त रहेगा। अब जैसे दुनिया में हम दो तरह, एक तराजू है दुनिया में, दो पढ़ने हैं, एक तरह में अपने आप को रखना है, एक तरह दूसरी दुनिया में। तो पहले दूसरी दुनिया रखेंगे, पहले अपने आप को रखेंगे। तो उपादान कौन है? हम स्वयं है, निमित्त पर है तो हम उपादान निमित्त बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम अपने आप को तब महत्व देना चाहते ना, मैं पहले हूँ, फिर मैं हूँ तो सारी दुनिया, मैं नहीं हूँ दुनिया का। तो अब निमित्त उपादान, इन शब्दों का प्रयोग हम दिन रात करते रहते हैं। जैसे कि आप इधर आए, जैसे आप तो इधर आए हो अभी, तो किस लिए आए? तो कोई कारण है ना, अगर कार्य है तो कोई कारण विद्यमान है, उस कारण के पीछे उसका कुछ रीजन है, उसके पीछे उद्देश्य है आपका, रीजन है। तो ये निमित्त उपादान कारण कार्य व्यवस्था है। हमारे जीवन में कार्य होते रहते हैं, वो कार्य हुआ जैसे कि समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका क्या नाम है, है? समर्थ, समर्थ, हाँ। तो सही है, हाँ। तो आपने टॉप किया क्लास में, मानना तो चाहिए ना, है? है? तो यदि आपने क्लास में टॉप किया तो किस वजह से टॉप किया, क्या बोलेंगे सबको? मैं क्या बोलूंगी कि मैंने पढ़ाया था ना इसलिए टॉप किया। मैं ये नहीं बोलूंगी किसी दूसरी तरफ से, मेरे विद्यालय में पढ़ते थे ना इसलिए टॉप किया। अध्यापक बोलेगा मैंने किया, हर जगह हम अपना अपना, कोई भी ये बोलता है कि इसने मेहनत की इसलिए पढ़े, ये कोई बोलता है क्या? बता, आज तक टॉप किया तो जो लिखा आता है सब बोर्डों में कि हमारे विद्यालय से इतने विद्यार्थी ने टॉप किया, इतने नंबर लाए, माँ बोलेगी मैंने अच्छे से ध्यान रखा। अब यहाँ माँ नहीं है, पिता बोलेंगे मैंने भेजा विद्यालय में, अच्छी ट्यूशन रखा है, ट्यूशन की जरूरत आने जितने हैं सब लोग मैं बोलेंगे, हमारा विद्यालय का विद्यार्थी, मेरा स्टूडेंट। पर किसी ने भी ये बोला कि बच्चे ने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, इसलिए वो सफल हुआ। आप मेरे क्लास में आप सब हो ना, जितने विद्यार्थी हो, एक नहीं टॉप क्यों किया? निमित्त तो मैं सबके लिए बराबर थी ना, समझाया ऐसे था, मैंने आपको अलग से समझाया, आपको अलग से समझाया, सबको समझाया। तो जिसमें समझने की योग्यता थी, संपूर्ण रूप से ग्रहण करने की योग्यता थी, उसने ग्रहण किया। सिर्फ ग्रहण ही नहीं करना है, चलो आपकी मुस्कुराहट पे चीज, क्या नाम है? आप मुस्कुरा रहे, मुस्कुराहट तो अच्छी है, पर दूसरे देख के मुस्कुराते, थोड़ा सा गड़बड़ है क्लास में, आप बोलिए सम्यक। नाम सबके बहुत अच्छे है ना, क्या होता है कि क्लास में टॉप कौन करता है? जो क्लास में अपना उपयोग भ्रष्ट नहीं करता है। आपने इधर उधर देखा, आपकी क्लास में वो विषय मिस हुआ, मैं तो ये बता दे रही हूँ, जिसका उपयोग भ्रष्ट होगा उसकी ओर उपयोग मेरा अवश्य जाता है, मुझे पता चल जाता है किसका हुआ। हर बार मैं नहीं बोलूंगी, क्यों? सबका समय जाएगा, पर आप ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। इस एक क्लास में अटेंशन से आप सुनेंगे तो आपको फिर दोबारा ये विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे ही आप स्कूल की कॉलेज की क्लास है, ट्यूशन क्लास है, प्रवचन है, उस समय उपयोग किससे कर लीजिए। अलग से आपको कोचिंग क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है? आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आप क्लास में इधर उधर देखते हैं, बात करते हैं आपस में? मेरी क्लास में बात करना तो अलाउड नहीं है, जब मैं कहूँगी तब बोलना अलाउड है, जब मैं कहूँ तब,
बीच में बोलना भी नहीं, पर मैं आपको बोलने का मौका जरूर दूंगी। तो हमारा उपयोग इधर गया और वो चीज हमारी मिस हो गई। तो यदि आपको क्लास में टॉप करना है ना, उसकी विधि बता दूं। सबसे पहले प्रोफेसर अब जो क्लास जहां पढ़ रहे हो अपना चित्त वहां पर स्थिर करना, उपयोग पे स्थिर करना, यहाँ वहां नहीं ले जाना। जितनी भी आवाज हो पीछे नजारे भी बच जाए तो आप ध्यान से अपना वो सुनो। जब जो विषय कर रहे हो उस विषय तो आपका समय भी बचेगा और द्वारा आपको टाइम भी मत देगा। एक बार में याद होती है हम सब में अकलन के बैठा हुआ है, और हम सब में निकलन के बैठा हुआ है। कुछ लोगों को एक बार सुनने से याद होगा, कुछ को दो बार और कुछ को तीन बार। तीन बार में सबको याद हो जाता है असामान्य बुद्धि वाले। और वो मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगी यही तीन बार करवा दूंगी रिपीटेशन, आपको तैयार हो जाएगा। पर एक है कि आपको उपयोग पूरा इधर देना होगा, अपना मन से कहीं नहीं जाना होगा। मन से बाहर जाने के नुकसान क्या है, फायदे क्या है, थोड़ा सा भी बताते हैं। पर लास्ट दिन मेरी दोस्ती है ध्यान का समय, समय दर्शन करने की विधि भी यही है, कुछ नहीं है। हमारा चित्त बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, वो भागता रहता है। शरीर से तो यहाँ पे आपको बांध दिया, आप हिल नहीं सकते, आपकी निगाह है, आपकी अटेंशन है ना, आपके जो बॉर्डन है, जिंदगी जो आए हैं उनकी निगाह है। शरीर से आप कहीं नहीं जा सकते, मजबूर है। यहाँ वाणी के ऊपर बंधन मैंने लगा दिया कि आपस में भी आप बात नहीं करो, बोलना भी नहीं है। तो मन और वचन का ही अनुरोध तो हो गया, वचन और काय की क्रिया का अनुरोध हो गया। अब मन के ऊपर कंट्रोल मैं नहीं कर सकती, और मन बहुत चंचल है, उस पर कंट्रोल आपको स्वयं को करना पड़ेगा। और जिसने अपने मन पर कंट्रोल करना सीख लिया, अपने मन को इधर उधर दौड़ने से बचा लिया, मन दौड़ेगा पर उसे हमारे जहां मैं कहूँ वहां दौड़े, जहां मैं कहूँ वहां जाए, इधर उधर ना जाए। घोड़े का तांगा तो देखा होगा ना आपने, घोड़े की तरह से बांध देते हैं ऐसे दोनों तरफ, क्यों बांधते हैं, उसकी स्पीड तो बहुत तेज होती है। और जैसा ड्राइवर करते हैं ना, सीनरी बहुत अच्छा है, वो यही गर्दन करते हैं, आप मत देखो ऐसा। घोड़े को भी सिर्फ सामने देखे और दौड़े, इधर देखेगा इधर देखेगा एक्सीडेंट होगा। तो हम सब ऐसे तेज घोड़ने दौड़ने वाले घोड़े हैं, मन भी ऐसे है। उसे जिस दिशा में आपको ले जाना है उस पर ले जाने में आपने कंट्रोल कर लिया कि नहीं इस समय मैं इधर ही रहूंगा, उधर कहीं नहीं जाना। आप जिस क्षेत्र में लग जाओगे उस क्षेत्र में सफल हो जाओ, जिस विषय में लग जाओगे, जिस वस्तु में लग जाओगे, आत्मा में ध्यान लगा दिया तो समय दर्शन लेके होंगे, निमित्त उपादान में ध्यान लगा दिया तो 8 दिन में निमित्त उपादान में एक्सपर्ट हो जाओ। जिस क्लास में बैठू सब में बैठना कंपलसरी है। मैं थोड़ा थक जाते मैंने देखा काम तक, थोड़ा सा सबको मैं आपको रिलैक्सेशन करवाऊंगी एक एक क्लास का, मैं सोच ऐसा प्लान बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए थकान से वो उतरे और जितना भी वो पूरा ग्रहण कर सके। तो समझ में आया, एक विषय में आपको चित्त लगाया, हम दौड़ते सारे विषय में। कल पेपर है हिंदी का, हम पढ़ रहे हैं आज इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में तो नहीं आती है। कल है इंग्लिश का, हम पढ़ रहे हैं हिंदी, सफल नहीं हो। जो कर रहे हो उसमें दत्त की कोटि करो, यहाँ बैठे हो उपयोग यहाँ से बाहर जाएगा, मुझे पकड़ में आ जाएगा, तो यहाँ का विषय भी नहीं आएगा, आपकी इंसल्ट भी होगी थोड़ी ना। मैं नाम लूंगी उन्हीं उन्हीं का नाम पूछूंगी मैं, जिनको अपना नाम पूछवाना हो, नाम करना है बदनाम करना हो देख लेना, दो से पूछूंगी जिनको सब जिनको आता है उनसे भी पूछूंगी, और जो बात करते हैं उनसे मिस हो गया तो मैं क्या बोल रही थी बताओ, मैं भूल गई, वो पूछ लूंगी उनसे। सबको समझ में आ जाएगा, उनका ध्यान पे चला गया, ज्ञान से वंचित रहे और विषय वस्तु नहीं समझ में आई है ना। कार्य जो हमारा निर्धारित कर देता है हमारा कारण कैसा था, आपको समझ में नहीं आया ये कार्य हुआ तो निर्धारित हो गया कि हमारा चित्त चंचल हो गया, और चंचल चित्त से कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है। देख लो आप दुनिया में, आपने निर्णय किया एडमिशन लेना आ गए तो आपको आने से कोई रोक नहीं सका। आप दो होते यहाँ आओ तो उधर जाऊं, यहाँ आओ तो उधर जाऊं, तो आप आते इधर। आप इंटरव्यू में जाते नहीं, थोड़ा मेरा मन तो उधर भी जाने का, तो आप इंटरव्यू में चले जाते। हमारी 50 बोलती है,
आप जो यहाँ तक आए हो तो किसी निर्णय से आए, और उस निर्णय में सफल होना है, टॉप पर पहुंचना है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? जब जिस समय जिस कार्य में रहो उस समय तन और वचन से तो हो ही, मन से भी, मन को इधर उधर जाता है, ये हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल है। अभी जब मैं जो भी बताऊंगी अभी विविध उपादान के बारे में, तो लगभग सभी से पूछूंगी, उसमें से मुख्य 5 बिंदु, सारे नहीं बताने, जो पहले ने बता दिया दूसरा उनको अवॉइड कर देगा, तीसरा उनको और उसमें बता देगा, और उसको समझकर मेरे जीवन में इससे क्या लाभ हुआ, क्या उपयोग, क्या चेंज आया, और मैं क्या चेंज करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, ये भी आपको बताना है कि अभी तक मैं ऐसा सोचता था, अब मैंने ऐसा सोचा और ये मुझे लाभ मिला। भले आज नहीं बता पा, कोई बात नहीं, कल कुछ नहीं वो चीज, फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा। अब मैं नहीं चाहती कि मैं जो बता रही हूँ उसके अलावा कुछ और सोचू, तो मैं अपना पूरा 8 दिन का गतिविधि जो कार्यविधि कैसे रहेगी वो बता दे, सबको क्लियर हो गया कि आपको सबको एक बार बोलने का मौका मिलेगा। इस बात का ध्यान हमारे टीम लीडर है वो रखेंगे कि हर व्यक्ति को मौका मिले, एक ही व्यक्ति बार बार नहीं बोलता रहे। पर मैंने क्वेश्चन पूछा, किसी को जवाब नहीं आया, तो जिसको आता है हम उससे रिपीट भी पूछ सकते हैं, जब तक दूसरे जवाब दे रहे हैं तब तक उससे रिपीट नहीं पूछेंगे, पर वो बात करेगा तो कुछ नहीं, उसका चित्र चंचल हुआ तो समझ जाएंगे कि नहीं समझा है, और चेहरे से समझ में आ जाता है कि आपका उपयोग भ्रष्ट हुआ है। अभी कभी आप WT चले हो क्या, ट्रेन में या कहीं पर भी बस में, और जिस दिन WT चलोगे उस दिन पकड़े जाओगे, आप नहीं चलो अपना पीढ़ी बताएगा, ऐसी बेटा वाली बात है ना, दूसरे भी सुन लो कि हम सब ग्रुप में जाते हैं 10-20 जन, तीसरे जिस पर हाथ रखता है वो WT होता है, उसे कैसे पता चल जाता है, उसे कैसे पता चल जाता है कि ये बिना रिजर्वेशन के बिना ऐसे आ गया है, पता है कैसे पता चलता है? वो सरपट नहीं है, मना कर जाने नहीं, अवधि जाने नहीं है, फिर भी हमारे हम जिस दिन हमारे पास नहीं हो रहा उसी दिन हमें पकड़ेगा, बाकी कभी नहीं पकड़ता जब होता है। क्या पूछ रहे हैं? कैसे पता चलता है? पता है कि जब हमें हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमें पता चलता है आज हमने लिया नहीं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और सामने पीसी दिखता है तो हमारे मन में चित्र में घबराहट आती है, वो घबराहट हमारे चेहरे पर आती है और पीसी समझ जाता है। एक बार का उदाहरण, हमारे यहाँ पास बनते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट रहती है, मुझे याद नहीं था कि आज पास एक्सपायर हो गया है, और मुझे कुछ पूछना था और मेरा एक्सपायर हो जाता है, आने में WT होगी, पर सामने टीसी आया, मैं टीसी के पास गई, मैंने उससे पूछा, कुछ पूछना था उससे पूछा, और आगे बढ़िए उसने कुछ नहीं किया, बाद में मुझे पता चला जरूर मैंने तो आप यार मुझे मान लिया मेरे पास पास एक्सपायर हो गया, मैं उसके पास गई, पर मैं कॉन्फिडेंस से उसके पास गई वो समझ गया इसके पास पास होगा। यदि मेरे को पता उसी समय ध्यान में जाता आज मेरा एक्सपायर हो रहा है और मैं ट्रिगर जाती उसके पास जाकर बच्चे जाने की कोशिश करती थी पकड़ना, वो पकड़ दूर से मुझे बुला लेता, पर मेरी चाल में क्या भी हड़बड़ाहट आ गई, मेरे में कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो गया। ये झूठ पकड़ने की मशीन और कुछ नहीं है। आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने तुरंत बता दिया, अब आपने सोचा मेरा नाम भी सोचता कि मेरा नाम क्या है, समझ गया वो, आपने बोलने में समय लगाया ना, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, नाम इसका ये नहीं, मतलब किन किन चीजों से हमारा मन का झूठ पकड़ा जाता है, हमारी बेवकूफी हो जाती है, तो फिर हमें तो पता चले या निकले, हमारे शरीर को में इतनी अच्छी बहुत स्मार्ट है शरीर, इसको हर चीज पता चल जाती है, हमें नहीं पता चलती कि हमें चिंता है, शरीर को पता चल जाती है, कोई रिएक्शन करना शुरू कर देता है। अब शरीर में नॉलेज है, ज्ञान है, अजीब में भी ऐसी शक्ति है, हमें ज्ञान की भाषा में बात करनी है ना, कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं कारण विद्यमान है, बिना कारण के कारण नहीं होता है, पर प्रॉब्लम क्या है, कार्य मौन रहता है, बोलता नहीं है, और कारण चिल्ला चिल्ला के बोलता है। फिर आपने टॉप किया तो आप थोड़ी कहोगे मैंने मेहनत की थी, मैंने पढ़ाई की थी, वो तो चिल्ला, आपका आपने टॉप किया है तो आपकी योग्यता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, हाईएस्ट नंबर आई है ना, इनने मेहनत की है, इनने पढ़ाई की है, मैं आप मेरे से कहो नहीं ये बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, टाइम पास करते थे, घूमते रहते थे, कौन भरोसा करेगा?
अगर मैंने तो बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, पर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मेरे को उसको उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, सिर दर्द हो गया था, तो मैं लिख आता मुझे सब है पर मैं लिख नहीं पाया, योग्यता हो तो उसकी योग्यता बोल रही है चिल्ला चिल्ला कर, उसे ध्यान की जरूरत नहीं है। ध्यान की जरूरत किसे पड़ती है, ये चश्मा किसका, चश्मा नहीं चश्मे का डर है किसका, अब इधर अगर प्लास्टिक का किसी को बताने की जरूरत है, इसका ये तो इसका अन्वयन में बोल रहा है मैं प्लास्टिक का हूँ प्लास्टिक का हूँ, तो फिर हम निमित्त के पीछे मैंने खरीदा, अब ये पेन किसका इसको तो कुछ दिखाने, और हम सबके पास ये नहीं पेन है, तो अभी जब तक मेरी टेबल पर है तो मेरा, हमने 5 पेन मिस कर दिए तुम्हें पहचान हो पाई कुछ, ये पुस्तकें आपने दी किसी की थी जब पहले भी, पर मैंने वापस क्यों कर दी, उस पर नाम था उसके अंदर लाइन थे तो नहीं ये होनी थी, ये होनी थी उस पर कोई निमित्त जुड़ गया, तो इस तरह से दैनिक जीवन में हम निमित्त का और उपादान का प्रयोग करते रहते हैं, निमित्त के ऊपर कार्य का आरोप आता रहता है, तो ये निमित्त कार्य होने में कारण, ये निमित्त और उपादान कारण के भेद है कार्य के भेद नहीं, पहली बात तो जो दो कारण है, तो जो जिसमें चिल्ला के बोलता है वो कह देता है मैंने किया, अब घर में दो भाई होते, दो बहन होते, भाई बहन होते, छोटा बड़ा होते, ऐसा होते कि नहीं, अब उसमें देखना हमेशा एक एक शांत होता है और एक बहुत ज्यादा बोलता है, तो जो शांत होता है काम सारे वो करता है और बोलने वाला यस ले जाता है, क्यों, क्यों बोलता है मैंने किया मैंने किया, तो किसी में घर में मम्मी में राग है, पापा में राग है, किसी में या कभी कभी उसी को आ गया, कभी कभी तो सहेली तंत्र नहीं, ये तो सब दे रहा है, कर किया तो मैंने, जैसे खाना बनाया घर में बड़ी बहन ने और छोटी बहन परोस रही है, तो वो खाना बड़ी बहन तो रसोई में ही है, तो सब सोचते छोटी बहन ने बनाया, जो दिखता है ना उसी के ऊपर आरोप चला जाता है बहुत अच्छा खाना है, जो रसोई में बैठा मुझे दिख नहीं रहा, तो माँ को तो प्रकार नहीं, ये तो सिर्फ परोस रही है, ये तो अभी आई है, बनाया तो पूरी बड़ी ने है, क्योंकि संबंध पहले उसे बड़ी का करना है ना, बड़ी की प्रशंसा करनी है, फिर माँ को बार बार बड़ी का आता है तो छोटी बहन भी जाती है, तो उसे मनाती नहीं, तूने भी किया है उसने भी किया है, तो जो करता है वो बोलता नहीं, इस तरह से दो तरह के कारण है हमारे पास में, एक मौन रहने वाला जो बोलता नहीं है और एक कारण है जो बोलता है चिल्ला चिल्ला, और सबके भेद है, तो निमित्त उपादान किसके भेद है, कारण के भेद है, कार्य के भेद नहीं, और कार्य होते हुए हम जीवन में देखते हैं, अब जब कार्य हुआ किसकी वजह से हुआ उसका जिम्मेदार कौन, हर चीज में हम ये चीज ढूंढते हैं, जैसे मृत्यु हुई सबसे पहले पूछेंगे कुछ बीमार चल रहे थे क्या, कुछ हुआ था क्या, अच्छा उम्र हो गई थी, नहीं, वो तो 25 साल के थे, नहीं, वो तो 50 साल के थे, अरे अरे तो कुछ हो गया, हाँ एक्सीडेंट कारण हुआ, एक्सीडेंट बीमारी, अने हमारी आदत भी कारण ढूंढने की, कौन से कारण इस बात पर तो नहीं है, आयु बढ़ता तो शायद उसका प्रयोग होता है, दादा गए संजीव जी गए, दोनों की वजह एक थी कॉमन, आयु क्रम दोनों का क्षीण हुआ, पर दादा उम्र 88 थी तो हाँ चलो उनकी तो उम्र आ गई थी, अब संजीव जी 45 के थे, वो तो भी नहीं उम्र आया थे चले रहे, तो उनके ऊपर नाम बीमार हो गए थे, तकलीफ हो गई थी पता नहीं चली थी, पर आयु कम तो छीन हुआ था ना उनका भी, बिना आयु कम के चले रहे, तो हम आयु कम छीन हुआ तो सबका कॉमन है, अब हमें विशेष विशेष कारण ढूंढने हैं, तो हम वो विशेष कारण ढूंढते हैं और वो आरोप लगा देते हैं उसकी वजह से एक आरोप, तो आरोप शब्द आया, कारण के ऊपर कार्य होने का आरोप आता है, क्या तो आरोप का मतलब तो जानते हैं, एक ये सब टेक्निकल शब्द है, आरोप का मतलब समझ में आता है, काम उसने नहीं किया है और बस उसके ऊपर कह ही दिया है, अब अच्छे काम का आरोप सब लेना चाहती, हत्या थी,
कोई कह रहा कि मैंने जी मैंने जी मैंने, तो खराब काम का आरोप कोई नहीं लेना चाहता। कोई बच्चा फेल हुआ तो आज तक किसी क्लास वाले ने कहा एक बच्चा मेरी क्लास में पढ़ता था और फेल हुआ, उसकी गोली लगाई। मैं कहूंगी कि मैंने पढ़ाया था इसलिए फेल हो गया, क्या बोलेंगे? अब मैंने तो बहुत कोशिश की, उसमें बुद्धि ही नहीं थी, पर उसमें बुद्धि बहुत अच्छी है, पर क्लास में बैठते ही नहीं था, ध्यान से सुनते ही नहीं था, पूरा मन चित्ती दौड़ लगा रहता था। मैं क्या कर सकता हूँ? अरे जब तुम फेल होने में कुछ नहीं कर सकते हो तो पास होने में कैसे कुछ कर सकते हो? तो उसने ध्यान से सुना, उसमें योग्यता थी, उसने चिंतन किया, विचार किया और टॉप करने का एक और स्टेप। तब तो आज सिर्फ पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा। पढ़ा जिन्हें पढ़ा उन्हें जल्दी समझ में आएगा, जिन्हें नहीं पढ़ा बाद में। उसमें चार स्टेप आते हैं, अग्रय यह आवाज आते ना। हमें किसी काम में को याद करना है, अब आपको याद करने का मौका तो आती रहता है और भूलते हैं बहुत जल्दी है, पर किस चीज को भूलते हैं, किससे नहीं भूलते हैं सोचो। जिन चीजों को अटेंशन से, मन वचन काय से, जिनको उपयोग पूर्वक सोचते हैं, वो तो एक बार में याद रह जाता है। और कुछ बातें जिन्हें हम उतना उपयोग से नहीं सुने पर रिपीटेशन कर लेंगे। एक बच्चा बहुत होशियार है, उसकी बुद्धि आती है, सुन के कर तैयार हो जाता है। दूसरा बच्चा उतना होशियार नहीं पर रिपीटेशन से वो सीख जाता है। सुन रहे हैं? तो रिपीटेशन, अभ्रय या अवाय धारणा, ये रिपीटेशन के भेद हैं। समझ में आया? देखो जब सुनते हैं, देखना लब्धि की चार स्टेप होती है और टॉप करने की भी चार स्टेप है। किसी भी चीज में सफल होना है आपको, उसकी भी चार स्टेप है। सुनो, ये मोटे मोटे अभ्रय या है, तो उससे पहले उपयोग वजह से बताया ना। सुनो, अब आपने सुन लिया एक बार, बस खाली सुनने होंगे और उस पर विचार करो, समझोगे नहीं तो भूल जाओगे। सुनना है आपको, समझना है तो उस पर विचार करना है। तो आपने दिन भर में जो सुना, फिर उसे समझो कि क्या सुना क्या समझा, उस पर विचार करो और मेरे लिए उपयोगी है, हितकारी है, और निर्णय पे पहुंच जाओ ये जीवन में उपयोगी। और फिर उसको वो धारणा ज्ञान में चला जाता है। जैसे मैं बताऊं, आपको तो सेमेस्टर सिस्टम है ना, क्या साल भर में आता है, 6 महीने परीक्षा होती है कि साल भर में होती है? दोनों होती है सर। अपने पोर्शन 6 6 महीने में समाप्त हो जाता है, साल भर में। हाँ, अब देखो आप लोगों का माइंड सेट है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो हमें साल भर याद रखना है, अभी जो आप पढ़ रहे हो ये लाइफ लॉन्ग याद रखना भूलना नहीं। हमारा लाइफ पूरी माइंड सेट से चलती है, पूरा जीवन हमारा माइंड सेट से चलता है। अब आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे पूरे जीवन भर के लिए याद करना है, तो ये चीज आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। आपने माइंड सेट लिया इसे साल भर के लिए याद करना है, तो आपको साल भर तक याद होगी। और जब हमने माइंड सेट लिया, तो 9th 10th का पोर्शन एक साथ आता था हमारे जमाने में, आपके भी कैसे पता नहीं, 9th का पोर्शन, तब हम माइंड सेट लिया 2 साल में याद रखना है, तो हमने माइंड सेट लिया 2 साल तक याद रखना। ठीक है? तो जैसे कि शादी सबकी एक बार होती है ना, वो एक बार की चीज पूरी जिंदगी में याद हो जाती है कि नहीं? और पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे हर बार आता है, आपके इतने सारे दोस्तों सबके जन्मदिन आते हैं, मनाते हैं, पर भूल जाते हो ना, जब वो याद दिला तो कभी याद रहता है। क्यों? तो उसमें हमने अभ्रय या अवाय धारणा स्टेप पूरे ही नहीं किए, उसमें हमें उपयोग लगाया ही नहीं है बिल्कुल। हमें तो आज याद रहे कल भूलने वाले हैं। तो दो चीज हमें हमें निर्णय करना पड़ेगा, कौन सी चीज हमारे जीवन में उपयोगी है, हमेशा याद रखनी है। अपने माइंड सेट करो, हमें याद रखना है, आपको याद रखेगी, आप भूलोगे नहीं। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? निमित्त, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी भाषा में बता रही हूँ ताकि आपको निमित्त उत्पादन कठिन नहीं लगे। इन सबके टेक्निकल शब्द हैं, पुस्तक से भी पढ़ेंगे, आपको मौका दूंगी पुस्तक से पढ़ने का। पहले समय ना आपके दिमाग में वो चीज मुझे चाहिए है ना। तो एक बार हमने सुना, पहले क्लास खत्म करूंगी आपके सोचने के लिए, या हमने क्या पढ़ा, क्योंकि आपको दिन भर में टाइम मिले नहीं मिले तो मैं क्लास के टाइम में वो आपको सब मौका दे दूंगी। कौन सी स्टेप? सुनने का, समझने का, विचार करने का, निर्णय पर पहुंचने का। और वो जो आप लाओगे, मेरे जीवन में ये उपयोग हुआ,
वो अपने धारणा में पहुंच जाएगा तो आपके जीवन में उतर जाएगा। अब हमें क्या कहते हैं सारी समझ, ये सिद्धांत है बहुत सरल। जैन दर्शन का एक मोटा मोटा सिद्धांत है, एक दर्द दूसरे दर्द का कर्ता नहीं, मेन सिद्धांत ये है। ये सिद्धांत आप बोर्ड में लिख देना बाद में, क्लास के बाद में। मैं जानबूझ के पीपीटी नहीं बना, कल मैंने क्लास में उसमें देखा पीपीटी में उपयोग जाएगा आपका तो फिर सुनने में उपयोग रह जाता है, और वो पीपीटी बार बार आगे पीछे होती है, वक्ता का ध्यान भी भंग होता है। कितना देर लिखा, इसी के चार साथ और पूरा जैन सिद्धांत घूमता है, निमित्त उपादान दूसरे चारों में घूम रहा है। अब जो निमित्त है जिसके ऊपर आरोप आता है कार्य होने का, वो कहता है मैंने काम किया। ये निश्चित है कि बिना निमित्त के काम नहीं होता है, काम होते हैं तो निमित्त भी उपस्थित होता है। पर मैं ये कहूंगा कि मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी तो खाना नहीं बनेगा। ये जो मुझे अहम आ जाता है, ये जो मुझे कर्ता बुद्धि आ जाती है, अब मैं ये कहूँ कि मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए निमित्त उपादान आपको समझ में आया, आप समझ नहीं सकते। जिस दिन ये अहम बुद्धि मन में आ जाएगी, ये गलत। आपके समझने का काल पका है, आपके उपादान में योग्यता आई है, तो निमित्त को कोई ना कोई मिली जाए। और आपको समझने का काल नहीं पका है, मैं कितनी कोशिश कर लू नहीं समझ में आया। तो इसमें जैन दर्शन कहता है एक तरफ दूसरे में आप में कुछ नहीं कर सकती हूँ, समझना आपको ही पड़ेगा। मैं तो समझाने का विकल्प कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो जितना डिपेंड कर रहे हैं। एक उदाहरण दूं तो समझ में आएगा। आपने आता है देखो, उदाहरण टोलर ने जो कहली है उदाहरण ने जो सिद्धांत समझा दी थी, तो मेरे उदाहरण भी दूसरे सिद्धांत को समझाने वाले हैं। तो इसलिए उदाहरण में भी आप इधर उधर चित्र कर लेंगे तो आपको नहीं रह रहा होगा, उदाहरण आपको जीवन में काम में आएंगे। तीखन कड़ी दिग्विधनी का उदाहरण दिए, दिग्विधनी होती है खेती है तीखन कड़ों की। तो अपने पे ऐसे आता कहानियों में उनने प्रश्न पूछा उनका समाधान हो गया, ये सुनिए ना। और मुख्य रूप से कहो उनकी तो ओंकार ध्वनि होती है और कुछ ऐसे शंका समाधान नहीं होती है। पर क्या होता है कि आपके मन में प्रश्न उठा, आपके मन में प्रश्न उठा तो आपको उसके समाधान मिल जाए। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि वहां पर जानवर है देवव्रत में जीव है, अब वो बोल रहे हैं तीर्थंकर तो कैसे सब क्या होता है, तुमने दादा से पूछा इस सारे प्रश्न उठते थे बचपन में, हमें भी तुम्हें भी उठेंगे, ऐसे सबके समाधान कैसे होते हैं। अब गड़धर पूरी बात ले लेते हैं और दूसरे लोग क्यों नहीं ले पाते, तीर्थंकर जैसे भक्त है ना, बोले कि भाई छम ज्ञान में जितना समझ में आ रहा है उतने समझेगा वो, चाहे तीर्थंकर जैसे वक्ता हो चाहे हम तुम हो, आप समझेंगे अपनी बुद्धि अनुसार। हम अपनी बुद्धि रतिचंद्र अपनी बुद्धि थोड़ी डाल सकते हैं, तो आप उनके मन में जो प्रश्न उठा तो उनके समाधान आ जाते हैं। अब जैसे देखो अपना प्रसिद्ध उदाहरण है नैमिनाथ वाला, नैमिनाथ द्वारका वाला, द्वारका जल जाए तो जो दीपायन मुनि थे उनको तीर्थंकर की वाणी पर भरोसा हुआ या नहीं हुआ। भरोसा नहीं होता तो द्वारका छोड़ते जाते नहीं, और संपूर्ण भरोसा होता तो दिन नहीं गिनते, देखें क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, विकल्प भी नहीं उठता। उसने निमित्त तो मैं था, मैं तो यहाँ आ गया, अब देखे कैसा हुआ, क्या ना उन्होंने तीर्थंकर की वाणी को चैलेंज कर दिया। मैं तो जा रहा हूँ देख रहा तुम जला के बता दो, तो भगवान जला रहे हैं और इन्हें बचाने की कोशिश। तो वो उनके एक किसी के मन में प्रश्न आया, तो जिस टाइप का प्रश्न आता है उस टाइप के जवाब आते हैं। जैसे आपने पूछा मुझसे, जैसे बम्बई वाले ने, जैसे जयपुर वाले ने मुझे किससे पूछा कि आप जयपुर में कब तक है, अब मैं समझिए मुझसे मिलने आना चाहते हैं, तो मैंने जवाब दिया 22 से 29 तक। ड्राइवर ने सुन लिया तो बोले 29 को कितने बजे मैं गाड़ी लेकर आऊँ, अच्छा नहीं नहीं 29 को नहीं लाना 30 को चलेंगे, बोले आप तो कह रहे थे जयपुर में 29 तक है, उनके लिए मैं 29 तक हूँ क्योंकि 30 को मुझे उनसे मिलना नहीं है।
अब मैं बम्बई से जब हम चलते हैं और पहुंचते हैं, मैं एक दिन का फर्क हो जाता है कि नहीं, 21 और 29, तो 2 दिन में मिस हो जाते हैं। तो ना हमें बॉम्बे वाले को बोलते हैं, हम 1 को पहुंचे तो 30 को मुझे जाने की जरूरत नहीं मिलना, तो सामने वाला सुन के मुझे डर ले ले। जो आपके मन में जो क्वेश्चन हुआ है आपका समाधान उससे आए, तो ऐसे तीर्थंकर की सभा में जितने लोग बैठते हैं उनको वैसे समाधान मिलते रहे, खुद नहीं उससे संबंधित दूसरे संबंधित नहीं आते, दूसरे के मन में दूसरा ऐसे कुछ आया तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार उनके लिए विधि प्रेरण करता है। आप तो ग्रहण करोगे, एक बार सुना आपने तो समझ में कैसे आएगा? सब अपने अपने अनुसार ग्रहण करेंगे, सब एक चीज बोलते हैं, मूसा प्रकार से पढ़ते हैं, कोई कुछ अर्थ निकालता है, कोई कुछ अर्थ निकालता है। एक व्यक्ति की शादी निकल रहे थे, उनका मन था हम बाल ब्रह्मचर्य ले रहे, मूसा प्रकार से पढ़ते हैं, क्या निर्णय लिया अपनी शादी कर लेनी थी। ऐसे उदाहरण नाम मिलने का कि हैं वैसे लोग, सब अपने अपने मन का लेते हैं। ऐसे संसार का उदाहरण भी ले लेते हैं कि नहीं भाई, जो जिस भूमि का प्रयोग है वैसा कार्य होना चाहिए, आपको भूमि का में नहीं है, आपको शादी का विकल्प चल रहा है, आप जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का तोड़ रहे हैं, तो फिर आपकी भूमि का प्रयोग, ये सेंटेंस है, जो भूमि का में है उस भूमि का प्रयोग का कार्य होता है, इससे उसने निष्कर्ष निकाला। दूसरे ने सोचा कि नहीं, मेरा मन बार बार संसार में लग ही नहीं रहा है, मुझे ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना, मम्मी पापा कह रहे हैं दिखाओ दिखाओ, पर मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है, मेरा मन ही नहीं है, किसी और में आकर्षित नहीं हो रहा हूँ, तो दूसरा सूत्र है ब्रह्मचर्य का प्रयोग। सेंटेंस एक ही है, दोनों ने दो अपोजिट बातें ले ली, तो एक ही सेंटेंस दो निमित्त बन गए, इसके उपादान में ब्रह्मचर्य लेने की योग्यता थी तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का उपादान निमित्त बन गया, उसके लिए शादी करने का निमित्त बन गया। तो निमित्त रहते हैं, पर निमित्त या कहता मैंने किया, मेरे अलावा काम नहीं हुआ, मैं नहीं बोल तो नहीं हुआ, तो इस पे सबको ऑब्जेक्शन हो जाता है, कोई करना नहीं चाहता। अभी हम हमने कितनी बातें सीखी, क्या समझ में आया? जो समझ में आया अभी आप हैंड रेज करेंगे, उनमें से एक से पूछ लेंगे, फिर हम इस पुस्तक से पढ़ेंगे, और पुस्तक से आप में से थोड़े थोड़े एक एक पेज, एक एक दो दो पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, और जो आपको समझ में आया वो एक्सप्लेन करना, जो मैंने बताया है इसी चीज है, उसमें कुछ गलत हो रहा तो मैं सुधार दूंगी, सूचना नहीं सही है अपनी सही है ना, कुछ कमी रह जाएगी वो बता दूंगी। तो ऐसे आपको पुस्तक पढ़ के आप स्वयं समझ सकते हैं जो मैंने चीजें अभी बताई। तो निमित्त की बात समझ, निमित्त होते हैं, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है, उदाहरण देखने जाओ तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर मैंने यहाँ पर अपनी आधा घंटा क्लास चल गई है, तो अब मैं आधा घंटे के बाद आपको कितना स्मरण में रहेगा, क्योंकि तो मेरे को तो उतना याद करा के उठाना इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो निमित्त उपादान, फिर इनके भेदों में जाएंगे, तो निमित्त उपादान का सिर्फ किसकी वस्तु में कार्य होता है वो उपादान, तो पहचानने में गलती नहीं होती है हमारी, जैसे कि गेहूं की रोटी बनी है किस चीज से बनी है, है? गेहूं के आटे से, मैंने स्पेशल गेहूं की रोटी बोला, क्योंकि देखो मैं ज्वार की रोटी बनी है तो गेहूं से बनी है, नहीं आटा नहीं बोला मैंने, ज्वार की रोटी बनी है तो ज्वार का आटा, और जिस चीज की रोटी बनी है उस चीज पे आटे से, तो वो किसी को बताने की जरूरत पड़ती है, आज की रोटी बहुत अच्छी है, आज की चाय बहुत अच्छी है, नहीं ना, क्योंकि उसका तो अंग अंग बोलता है कि मैं इससे बनी हूँ, जिसने समझा है, जिसने टॉप किया है। मैं तो आपको आपको उदाहरण दे रही हूँ, आपकी जीवन से बाकी तो पहना है, उतनी मैंने आपको उदाहरण दे रही थी, अब आपको तो टॉप करना है, आपका नाम तो इसलिए मैं आपको उदाहरण दी, ऐसे आप अपने अपने नए नए उदाहरण सुन सकते हैं, मैं 4-5 उदाहरण दिए हैं, है ना। तो वो उपादान तो बोलता है, रहता है मौन, पर वो उसका हर अंग अंग बोलता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन निमित्त में पता नहीं चलता है कि वो रोटी जो अच्छी बनी है वो रमेश ने बनाई है कि सुरेश ने, गीता ने बनाई है कि सीता ने, पर रोटी बनाने वाले को रसोईया बोलते हैं, तो रोटी जब भी बनेगी तो रसोईये की हेल्प से बनेगी, बिना रसोईये की नहीं बनेगी, तो रसोईया कोई भी हो सकता है, रमेश, सुरेश, गीता, सीता, तो गीता कहे कि मैं नहीं हूं तो रोटी नहीं बनेगी तो ये उसका गलत, आटा कहे मैं नहीं हूं तो रोटी नहीं बनेगी वो सही है, आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी,
गीता कहे तो गीता ने नहीं बनाई, तो सीता ने, सीता ने बनाई, तो बिमला ने, बिमला ने नहीं बनाई, तो कमला बना दी, उसमें ऐसा भी नहीं, ये बनाई ये नहीं बनाया, नाम नहीं लिखा जैसे वो भविष्यवाणी होती, उसमें ये नहीं, दीपा निराश का नाम ले लिया था, निमित्त शराब बता दी थी, पर कौन सी शराब, बोतल की भरी शराब, डंडे में बता दी, ये पिछला पूछा नहीं हमने, बताया नहीं, निमित्त पूछा, निमित्त बता दिए, दो निमित्त बता दिए, निराश क्यों होंगे, शराब निमित्त बनेगी, गुस्सा आ जाएगा, क्यों आया है, ये घटना तो नहीं बताते, मन में जितना प्रश्न हो उसका समाधान हो गया। तो हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं उतने समाधान हो जाते हैं, उसके आगे पीछे के समाधान नहीं आते, क्लियर, समझ में आ गया। निमित्त उपादान, निमित्त का आरोप होता है, निमित्त निश्चित, ऐसे क्रमबद्ध पर्याय के निश्चित होता है, पर ऐसे हमें तुम्हें नहीं पता है, निमित्त तो होता अवश्य है, कौन निमित्त बनेगा, नहीं जो निमित्त बनेगा, मेरी बीमारी कौन थी, मैंने जो निमित्त बन गया, मैं बीमार थी, मैं ठीक हुई, कौन निमित्त बना, वकील से इंजीनियर, बताओ, मैं तो बहुत तेज, मेरे हाथ में तकलीफ हो रही थी, ऑपरेशन से मैं ठीक हो गई, मान लो, तो कौन है वकील, आज मैंने बहुत अच्छा वकील किया था तो ठीक हो गई, कि बहुत अच्छा इंजीनियर था, सीए था, यदि मैं बुखार ठीक हुआ था तो उसमें वकील का भी 50 बार आ सकता था, तो उसको कोई दवाई दे दी, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे से उदाहरण बदला, ऑपरेशन करे, मेरा ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर ही उसमें निमित्त बनेगा, अब ये बात अलग है कि डॉक्टर कौन सा था, तो बम्बई का था, जयपुर का था, अमेरिका का था, रमेश था, सुरेश था, कमला थी, बिमला थी, रीता थी, सीता थी, तो बनेगा ना, क्लियर, तो निमित्त फिक्स होते हुए भी ऐसे फिक्स नहीं है, उपादान फिक्स है, उसी चीज का, सोने का जेवर से सोने का उपादान जेवर बन गया, मैंने तो मान क्या किया, चांदी से सोने के जेवर बनवा लिए, आपने पॉलिश करवा ली होगी, चांदी से चांदी के जेवर है, बेचने जाओ आपको चांदी का भाव मिल रहा है, देखने वाले भ्रम में आ जाएंगे, किसान सोने की है, चांदी की है, पर सुना तो नहीं आएगा भ्रम में, वो तो आदमी से तपा देगा ना, इतनी कोट मिला लो, कोट के पैसे नहीं देता, तो हमें अपने दिमाग से जो कोट है कि निमित्त मेरे लिए अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं मिला, अच्छी क्लास नहीं मिली, टॉप नहीं कर पाया, अच्छे निमित्त नहीं मिले, तो हमें अपने अंदर से ये भावना निमित्तों की पराधीनता हटा देना है, तो निमित्त कुछ नहीं करते हैं, हमारे अंदर कार्य करने का काल पता होगा तो कार्य होगा, होगा और होगा, क्लियर, निमित्त उपादान की मोटा मोटा समझ में आया, अब कौन बताना चाहेगा, अब टीम लीडर का काम, को आप पूछिए कहाँ है गजेंद्र जी, हाँ एक दो दिन लगेगी पहचान में, हाँ चलिए आप पूछ लीजिए, किससे पूछना चाहता हूँ सब, और उसको टिक करते जाइए नंबर, यहाँ आप पूछो, मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछो, खड़े होके हैंड रेज करना है, किसी से भी नाम से सब सब बता सकते हैं, बताइए, माइक मिल जाएगा इन्हें, अच्छा रहेगा, कौन से देखो ये बोल रहे हैं, आपको सुनना है, आवाज नहीं आए ये भावना नहीं चल रहा, नहीं आए तो तुरंत बोलना, नहीं तो आप सेंटर में आके बोलना, और इन्होंने सही बोला या गलत, गलत बोला तो सही क्या है, और सही बोला तो क्या बोला, यही पूछ सकती है, हमने सब सही बोल दिया, जो बोला वो सब सही है, ये नहीं चलेगा, रिपीट करना पड़ेगा, है ना, तो वो आपको सबको ध्यान से करना है, नोट करना है, यहाँ के बुजुर्ग बोले, यहाँ के बोले, इसके आगे के पॉइंट इनके पॉइंट आपने सुने क्या, सबको सुनाई दिए कि दूसरे पे करवाए, तो आप आपस नाम के करते जाते हैं, बोल रहे माइक पे बोल,
घोड़े के एग्जांपल से बताई थी कि जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है वैसे हमारा मन होता है, वो भी बहुत तेज दौड़ता है पर कंट्रोल होता है, इधर उधर भाग जाता है। अगर हम उसको एक जगह पर स्थित कर लें तो हम जिस जो भी कार्य करेंगे एकाग्र मन से वह काम हमेशा सफल होगा। और यही काम मतलब एकाग्र चित्त होकर अगर हमने अपने आप का ध्यान किया बहुत समय दर्शन प्राप्त होगा। फिर उसके बाद बताया कि कार्य मौन रहता है और कार्य चिल्ला चिल्ला कहता है। फिर उसके बाद कार्य के ऊपर कार्य होने का आरोप आता है और किसी भी कार्य में कार्य निर्माण के बिना कोई कार्य नहीं बनता। जो कि हमारे लिए जीवन उपयोगी है वह हमेशा हमें अवधि अवधारणा से याद करनी चाहिए, उसको समझनी चाहिए। ये तो लास्ट चैप्टर बोला है अगर ये आवाज ध्यान आप याद कर लो, इसमें सही लगा है कुछ है? इसमें आप कमेंट कर सकती हो। सेंटेंस जो बोला है आवाज आ रही है आप बताइए, जस्ट आप स्टेटमेंट बोल सकते हो प्रश्न वाला इधर माइक पे आके बोलना। एक तो जो इन्होंने बोला है अगर ये आवाज से याद करना चाहिए ये सेंटेंस, हाँ इसके ऊपर कमेंट ये कौन करेगा और दूसरा आ रहेगा आप आइए, समझ गए ना? ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं था। आपका नंबर है, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, कसम वाले आपको आपको बोलना है। अग्र से गढ़ करना फिर धीमा से जो होगा नहीं, ये सुन मैं बता दूं, जल्दी बस। अब अगर हमें जो बात ग्रहण करते हैं हमें अवग्रह या सोचना नहीं पड़ता, हम जो ग्रहण करते हैं पेपर से एजुकेशन वो अवग्रह कहलाता है, फिर उस पर जो विचार करते हैं वो यह कहलाती है। अवग्रह से ग्रहण नहीं करना है, आप सुनना है जो हम हमारे जो स्टेप चार है। बेटा आपको तो समझ में नहीं आया फिर आप बात कर रहे हो, दोनों को नहीं समझ में आएगा। अवग्रह से ग्रहण नहीं करना है तो सेंटेंस नहीं, गलती इनकी। आप समझो आपको बोलने में कैसे गलती हो जाती, समझ में आ रहा? अवग्रह से ग्रहण नहीं करना है हमें, तो पढ़ के समझना है नहीं है हमें। जो चीज पहली बार वो सुनते हैं, जैसे आप पहली बार इधर आए हो हर चीज का एक नया नयापन, अब हर पूछ पूछ से कर रहे कहाँ जाए भोजन काला कहाँ है सब चीजें कहाँ है, फिर बाद में अपने कॉन्फिडेंस से आता है। तो पहली बार का इंप्रेशन सबको क्या, जब उस भारत में आप आए थे कैसा इंप्रेशन था? तो वो अवग्रह पहले जो इंप्रेशन होता है वो अवग्रह होता है, अपनी है। जब उसे विचार करते हैं तो वो यह कहलाती है। तो पहली बार आपने सुना था जब निम्न उत्पादन तो अवग्रह हुआ था, फिर दूसरी बार विचार किया वो यह हुई, फिर आपने उसे चिंतन मनन किया और निर्णय पे पहुंचे वो अवाय स्टेप थी, और फिर अवाय हो जाता है धारणा ध्यान में चला जाता है तो स्मृति में चला जाता है। ये स्टेप पूरे होते हैं जिससे हमें करना कुछ नहीं है, इनको याद भी नहीं रखना है, ये ऑटोमेटिक चले जाते हैं। हमें आपको करना क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना है, अवग्रह नहीं करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, उस पर विचार करना है, किया नहीं करना है, विचार करना है, निर्णय पर पहुंचना है ये मेरे लिए अच्छा है, उस पर चलना है, इस पर चारों स्टेप आ क्लियर। कहाँ जल्दी, कल मैं इसको ये क्वेश्चन नोट करो, कल मैं इसको फिर से रिपीट पूछूंगी। हाँ अब आप आइए बोलिए आज के पॉइंट। पीछे से भी एक किसी को पूछूंगी, कोई और नए पॉइंट है किसी के पास इसके अलावा जो हो गए हैं, कोई आके बोलना चाहता है नए पॉइंट लड़कियों में से जो कुछ पॉइंट आपको कुछ नया लगा हो कोई बोल। हाँ आइए आप बोलिए, देखो सब तैयार हो जल्दी जल्दी आके बोले तो अपना टाइम मिल जाए। हाँ अपना समय आ रहा, हाँ बोलेंगे, हाँ ये बोले फिर आप बोलिए, क्योंकि अपना समय टाइम का ध्यान आप रखना है। देखा एक दो मिनट में होने मेरी इस घड़ी का 2 मिनट है। यदि आपके बारे में योग्यता आई तो निमित्त सही मिलेगा। इस पर मैं 4 उपाय बताए थे, सुनने सुनना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। आप कल से तैयार है, हमारे पास टाइम कम है सीखने का। जो ज्ञान है योग्यता से ग्रहण होता है और
शब्दों का चयन भी हमारा सही होना चाहिए। बुरे कार्य का श्रेय कोई नहीं लेना चाहता है और अच्छे कार्य का श्रेय सब लेना चाहते हैं। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, ये मूल सिद्धांत है, इसके चारों ओर सब चलता है। कैसे चलता है धीरे धीरे हम सीखेंगे। और कल हम थोड़ा 5 मिनट पहले आ जाना, आप लोग आ सको तो कोशिश करना ताकि अपना सेट हो जाए, अपना आज का समय समाप्त हो। दिन मानस की जय जिने शॉर्ट में दिन मानस की कर ली। आप 10 मिनट चले जाएंगे अपने।